ग्राम पंचायत बिजरोल के लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव के मुख्य मार्ग टूटे होने की वजह से गड्ढे बने हुए हैं जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है। पानी की निकासी न होने से कीचड़ की समस्या बनी हुई है जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर पड़ा कूड़ा बदबू पैदा कर रहा है। पानी की निकासी न होने की वजह से पानी सड़कों पर भरा रहता है। लोगों का कहना है कि कीचड़ के चलते लोगों का अपने घरों से जाना भी दुभर हो गया है। टंकी ने खराब कर दी है, रास्ते बनाने लग रहे हैं। टंकी का भी काम चल रहा है साइड में, रास्ते बनाने लग रहे हैं। समस्या जी है कुछ तो, ये समस्या है नली ये साफ नहीं होती कुछ कहीं। कॉलोनी में रहने वाली कांग्रेस की शहर अध्यक्षा मल्लिका खान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। इस बाबत मल्लिका ने अपनी टीम के साथ तहसील पहुंचकर SDM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। वह चाहती है जिस वीडियो क्लिप में उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। ये आरोप लगाया है कि मैं और प्रशासन के साथ में मिले हुए हैं, हम आपस में रिश्वत देते हैं और तब हम लोग प्रशासन की मदद से, वो मेरी मदद से मकान देते हैं। रिश्वत का इल्जाम मुझ पर लगाया है आलोक सिंह जी ने, जिसमें कि वो बेबुनियाद है। किस तरह के मकान है? काशीराम कॉलोनी के। आप क्या चाहते हो? मैं खुद चाहती हूँ कि अगर ऐसी बात उनको लगती है मेरे खिलाफ, मैं ऐसा करती हूँ, अभी डूढ़ा ऑफिस वाले ऐसा करते हैं, तो इसकी जाँच कराई जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर RLD सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कुसुम पाल तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में RLD और सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएंगे। दरअसल आपको बता दें, वे आज गांधी रोड पर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार से सभी परेशान हो गए हैं। जिस तरह देश प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचारी बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि भाजपा की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियों का ही कारण है कि जनता उससे परेशान हो चली है। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रालोद ने भाजपा को पटकनी दी है, इसी प्रकार जो गठबंधन की सरकार बनाएंगे और भाजपा की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज कांग्रेसियों ने तहसील पहुंचकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन SDM को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई के कारण आम जनता का बुरा हाल है। जिस समय पेट्रोल के दाम 50 रुपये हुआ करते थे, तब भाजपाई धरने पर बैठकर कांग्रेस का विरोध किया करते थे, लेकिन अब उनके राज में यह दाम 100 रुपये तक पहुंच चुके हैं और सत्ता के नुमाइंदे आंखें मूंदे बैठे हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर। काशीराम आवासीय कॉलोनी में अपात्रों को आवास उपलब्ध कराए जाने के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस नेत्री के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग तहसील पहुंचे। यहां पर इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि कॉलोनी में अपात्रों को मकान आवंटित किए गए हैं, जबकि कतार में दर्जनों पात्र लोग हैं जिन्हें मकान दिए जाने चाहिए। अधिकांश मकानों को किराए पर दिया गया है। जिन लोगों के पास रहने को छत नहीं, उन्हें आवास आवंटित किए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। लोगों ने SDM को ज्ञापन देते हुए मामले की जांच कर पात्रों को मकान दिए जाने की मांग की। मैं इसलिए पूछा, गरीब आदमियों को मकान मिले, जिसके मकान है बड़ोद के अंदर जिन्हें भी मकान मिल रहे, वहाँ जिसके मकान 50-50 हज़ार 50-50 लाख के कीमत के हैं, फिर भी उन्होंने मकान वहाँ ले रखे हैं।
ऐसा है तहसील में भैया, जिन गरीब आदमी को मकान नहीं मिले हुए हैं, जिनको मकान मिलने चाहिए, और जिनके मकान हैंगे जिन्होंने लेके वहाँ से ताला डाल रखे है, या मतलब किसी ने किराए पे दे रखे है, या कोई वैसा